एक पत्नी होकर अपने पति से छल किया, एक पुत्री होकर अपने पिता का अपमान किया, और एक माता होकर एक संतान की भावनाओं को कुचला। एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु एक माता कुमाता नहीं हो सकती, ऐसा संसार कहता है। परंतु आज आपने सिद्ध कर दिया कि एक माता भी कुमाता हो सकती है। आपने संसार की प्रत्येक माता की कोख का अपमान किया। इसलिए आपकी कोख पर प्रहार करना उचित था। न्याय की मांग थी। माता पर प्रहार किया शनि, आज तुम्हारा अंत निश्चित है शनि। ध्रुकोयम ध्रुकोयम ध्रुकोयम। सहायता सहाय की जाती है, और मैं असहाय नहीं। संज्ञा, माता हूं ना मैं, माता बनने के पात्र नहीं, यही कहा था ना तुमने। तो अब ये कुमाता तुम्हें दंड देगी। मैं सूर्य पत्नी समस्त तप के बल को एकत्रित करके शनि को श्राप देती हूँ। जिस पैर से इसने मेरी कोख पर प्रहार किया, वो पैर इसी क्षण कटकर इसके शरीर से अलग हो जाए। नहीं संज्ञा, ये कुमाता तुम्हारी चित्कार सुनना चाहती है। देखो, Honey!
मेरी पुत्र। क्या हो रहा है सूर्यदेव, क्या हो रहा है? कैसी निर्जीव सभा है जहां एक के पश्चात एक अन्याय हो रहे हैं और सब के सब मौन है। ये भावी देवराज की सभा है और यदि यही अन्याय हुआ तो क्या उदाहरण देंगे आप सरकार के, क्या उदाहरण देंगे? मुझे खेद है कि संज्ञा में मेरा भी कुछ अंश है। इसके जीवन का एकमात्र आधार उसकी माता थी, पर वही माता उससे छीन ली गई। जब उसने विरोध किया उसे शाप दे दिया गया। ये अन्याय नहीं तो और क्या है देव? देव विश्वकर्मा उचित कह रहे हैं सूर्यदेव, यह शनि के साथ अन्याय हो रहा है। मैं इनके मत से सहमत हूं। मैं इंद्र, मैं तो अपना मत रखने का पात्र भी नहीं हूं। सूर्यदेव, अन्याय आप ही की सभा में हुआ है, उसका त्राण भी आप ही को करना होगा। शनि ने जो किया वो अनुचित था, अपराध था। परंतु उस अपराध का दोषी शनि नहीं, देवी संज्ञा थी। उन्होंने शनि को उस सीमा तक धकेल दिया जहां वो अपने वश में नहीं रहा। क्यों किया तुमने ऐसा संज्ञा? शनि ने सत्य कहा, एक पत्नी अपने पति से छल कर सकती है, एक पुत्री अपने पिता के संस्कारों के विरुद्ध जा सकती है, परंतु एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। माना कि शनि की माता तुम्हारी छाया थी, परंतु मैं साक्षी हूं कि छाया ने अपनी ममता का कभी बंटवारा नहीं किया। परंतु तुमने क्या किया संज्ञा? जिस पुत्र ने अपने प्राणों पर खेलकर तुम्हारी व्यक्त गन से रक्षा की, तुमने उसी का विश्वास तोड़ दिया। अद्भुत। पहले पिता ने छाया का पक्ष लिया और अब पति ले रहे हैं। क्या भूल थी मेरी? मैं आपका ताप सहन करना चाहती थी, तप पर जाना चाहती थी, इसलिए अपनी छाया का सृजन किया। छल उसने किया, इसे जन्म देकर। तुम यह सत्य मुझे आकर बता भी सकती थी संज्ञा, कदाचित कोई मार्ग निकल आता, परंतु तुमने फिर से छल और षड्यंत्र का प्रयोग किया,
इसलिए दोषी तुम हो संज्ञा। जैसे देव ऋषि नारद ने कहा कि सूर्य सभा में आज तक कोई अन्याय नहीं हुआ और ना ही होगा, पहले भी दो बार शनि ने अन्याय होने से रोका और आज शनि का पिता रोके, शनि का पिता रोके, शनि का पिता रोके। मेरे ताप के बल से तुम्हारा शरीर फिर से एक हो गया, परंतु एक देवी का शाप व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए अब से तुम्हारी चाल धीमी होगी। शनेश्वर सूर्यदेव ने अपना कर्म किया, अब देखना है कर्म फलदाता क्या फल देते हैं। सूर्यदेव का यह घाव अन्याय का एक चिन्ह था, आज उनके इस उचित न्याय ने इस चिन्ह को धो दिया। Thank you.
माता, लौट आइए माता, माता लौट आओ ना माता, माता लौट आइए ना, अब मुझसे सहा नहीं जाता, लौटना होगा आपको माता, माता के लिए जिसने मुझे अनुभव कराया कि अब इस संसार में मेरा कुछ शेष नहीं रहा। ना कोई संबंध, ना कोई प्रतिबंध, और अब मेरी माता के अस्तित्व के साथ मेरा विनाश हो गया। संसार को नष्ट कर दूंगा जिसने मेरी माता को मुझसे छीना। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.